Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine and doing well at your homes. So students, before starting our work, first we recite dua together. Rabbi zidni ilma, ae mere rab, mere ilm mein izafa farma. Okay students, today we are going to learn the letter of S and its sounds is S. Its sounds is S. Okay students, this is your English reader book. Let's open your book with me. Let's open page number 33 with me. Students, look and say. Look and say. Students, here is the letter of S and here is the sound of S. Students, हमने यहाँ पर pictures देखनी है कि कौन कौन सी pictures बनी हुई है और उनका beginning sound क्या है. ठीक है, तो first हमारे पास picture बनी हुई है sun, sun. S is for sun. Next हमारे पास picture बनी हुई है socks, socks. ठीक है, इसके बाद हमारे पास picture बनी हुई है strawberry, strawberry. ठीक है, strawberry आप सब लोग बच्चों ने देखा है ना, strawberry खाई है ना, fruit होता है strawberry. ठीक है, उसके बाद हमारे पास next picture बनी हुई है saw, saw. ठीक है, saw किसे कहते हैं, आरी को, जिससे हम कट करते हैं. ठीक है, saw. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर है सीजर्स, सीजर्स. कैंची कहते हैं सीजर्स को. ठीक है, और इसका बिगनिंग साउंड क्या है, एस, एंड इट साउंड्स इज. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्या बना हुआ है, स्टार. जब आप लोग अच्छा अच्छा काम करते हैं तो टीचर आपको स्टार देती हैं, तो स्टार का बिगनिंग साउंड क्या है, स्टार. ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नीचे दो कॉलम्स बने हुए हैं. पहले हम देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम में क्या है. व्हाट हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो, प्लांट्स को किस चीज़ की हेल्प चाहिए होती है बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए. ठीक है, तो पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि मून की हेल्प चाहिए होती है, मून की हेल्प तो नहीं चाहिए होती है ना. सनलाइट की हेल्प चाहिए होती है, जी बिल्कुल, सनलाइट की हेल्प चाहिए होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. ठीक है, अच्छा हमारे पास सी पे क्या है, क्लाउड्स, क्लाउड्स की भी हेल्प नहीं चाहिए होती ना, तो हम सनलाइट पे, सन पे सर्कल करेंगे. ठीक है, सनलाइट की हेल्प चाहिए होती है और सनलाइट का बिगनिंग साउंड क्या है, सनलाइट. ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये देखेंगे कि हमने यहाँ पर एस किस तरह राइट करने हैं. ठीक है, फर्स्ट वी राइट कैपिटल एस, स्टार्टेड टू द टॉप, गो डाउन, स्मॉल राउंड टू द बॉटम. ठीक है, स्टार्टेड टू द टॉप, गो राउंड टू द बॉटम. ठीक है, उसके बाद हम स्मॉल एस, साउंड इज, हम लिखना देखेंगे कैसे लिखना है. स्टार्ट टू द टॉप अगेन, गो डाउन, स्मॉल राउंड टू द बॉटम. स्टार्ट टू द टॉप, गो डाउन, 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 स्मॉल राउंड टू द बॉटम. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह आप लोगों ने अपनी बुक में, जिस तरह मिस ने आपको राइट करके दिखाया है, आप लोग अपनी बुक में राइट करेंगे. ठीक है, आज हम लोगों ने किस लेटर के बारे में सीखा है, एस, इट्स साउंड्स इज. ठीक है, तो आप लोगों ने मम्मा की हेल्प से इस पूरे पेज को दोबारा से रिवाइज करना है और मम्मा की हेल्प से यहाँ पर राइट भी करना है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना इंग्लिश की वर्कबुक में भी काम करेंगे. ठीक है, दिस इज़ योर इंग्लिश वर्कबुक, लेट्स ओपन पेज नंबर 10 विद मी. दिस इज़ योर पेज नंबर 10, लुक्स लाइक. सो स्टूडेंट्स, हेयर वी आर गोइंग टू राइट द लेटर ऑफ एस एंड इट साउंड्स इज, इट साउंड्स इज. सो स्टूडेंट्स, हेयर वी आर गोइंग टू राइट द लेटर ऑफ एस and its sounds is s. students, here recognize and color,
हमने इस पिक्चर को देखना है कि ये पिक्चर कौन सी है और इसमें हमने कलर करना है, ठीक है। तो ये किस चीज़ की पिक्चर बनी हुई, इट्स सॉ, इट्स सॉ, और इसे उर्दू में क्या कहते हैं, आरी, ठीक है। एंड इट्स बिगनिंग साउंड इज़ स, इट्स बिगनिंग साउंड इज़ स। सो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि हमें एस राइट, हमें किस तरह राइट करना है। सो स्टूडेंट्स इधर हमने राइट एंड प्रैक्टिस लिखा हुआ है हमारे पास, हमने इसको राइट करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो बॉक्स में हमें साउंड लिख के लिखा हुआ है, हमने इस पर राइट करना, देखेंगे हमने किस तरह राइट करना है। सो स्टूडेंट्स देर आर फोर लाइन्स इन योर बॉक्स, बट वी स्टार्ट द टॉप ऑफ द सेकेंड लाइन, पुट योर पेंसिल ऑन टॉप ऑफ द सेकेंड लाइन एंड गो डाउन 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 एंड राउंड, अगेन डाउन 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 एंड राउंड टू द बॉटम। ओके स्टूडेंट्स, इट्स पिक्चर ऑफ सॉ एंड इट्स बिगनिंग साउंड इज ओके। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लिखेंगे कि हमने किस तरह काम करना है। अगेन देर आर फोर लाइन्स इन योर बुक, वी स्टार्ट टॉप ऑफ द सेकेंड लाइन, गो डाउन 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 राउंड, अगेन डाउन 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 एंड राउंड टू द बॉटम। ओके स्टूडेंट्स हम अगेन लिखेंगे, सेकेंड लाइन से हमने इसको स्टार्ट करना है, फर्स्ट लाइन से नहीं, ठीक है। वी स्टार्ट टॉप ऑफ द सेकेंड लाइन, गो डाउन 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 राउंड, अगेन डाउन एंड राउंड। ओके स्टूडेंट्स अगेन हम इसे राइट करेंगे, वी स्टार्ट टॉप ऑफ द सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन से हमने इसको स्टार्ट नहीं करना, सेकेंड लाइन से करना है। सेकेंड लाइन पे हमने अपनी पेंसिल रखनी है, उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको डाउन करना है, डाउन लेके जाना है, उसके बाद राउंड, फिर डाउन और फिर अगेन राउंड। ओके स्टूडेंट्स इट्स लाइक अ स्लीपिंग स्नेक, देखें जैसे स्नेक की तरह का है ना ये, जैसे स्नेक होता है, जैसे सांप होता है, ठीक है, उसकी तरह का है। आपने बिल्कुल इसको, ये बहुत ईजी है, आपने इसको मामा की हेल्प से लिखना है, ठीक है। अगेन इसको टॉप ऑफ द सेकेंड लाइन से स्टार्ट करना है, पुट योर पेंसिल ऑन टॉप ऑफ द सेकेंड लाइन, गो डाउन 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 स्मॉल राउंड, अगेन डाउन 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 एंड स्मॉल राउंड। आपने इन थ्री लाइन्स को भी मामा की हेल्प से कंप्लीट करना है, इस पेज को आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे मिस ने यहाँ पर सॉ में ग्रे कलर किया है, आपने भी मामा की हेल्प से ग्रे कलर करना है या कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे, और आपने इस पेज को कंप्लीट करना है, ठीक है। वी मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।